नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली डायरी न्यूज में। बॉलीवुड में ऐसे कई सितारे हैं जो हिट होने के बावजूद इंडस्ट्री में नहीं टिक पाए। उन्हीं में से एक हैं ट्यूलिप जोशी। ट्यूलिप फिल्म मेरे यार की शादी है से फेमस हुई थी। इससे पहले कन्नड़, मलयालम, तेलुगु फिल्मों में काम की कर चुकी हैं। फिल्म मेरे यार की शादी में अच्छा काम करने के बावजूद ट्यूलिप आज गुमशुदा है, लेकिन बुरे हाल नहीं है। इस फिल्म की सफलता के बाद ट्यूलिप के पास कोई अच्छे ऑफर आए। कुछ समय बाद उन्होंने फिल्म मृतभूमि में काम किया। अच्छे किरदार के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई। ये फिल्म कन्या भूषण हत्या पर आधारित थी। फ्लॉप फिल्मों के चलते उन्हें बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया। इसके बाद उन्होंने तमिल और पंजाबी फिल्मों में भी हाथ आजमाया, लेकिन कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई। साल 2000 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया कंटेस्ट में भी हिस्सा लिया, लेकिन विनर्स में अपनी जगह नहीं बना पाई। फिल्मों में काम करने के दौरान ही ट्यूलिप को कैप्टन विनोद नायर से प्यार हो गया। विनोद नायर ने नॉवल प्राइड ऑफ लॉन्स लिखी है। ट्यूलिप ने विनोद नायर से कब शादी की इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आज दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। अब ट्यूलिप विनोद के 600 करोड़ की कंपनी संभाल रही हैं, वो इस कंपनी की डायरेक्टर बन गई हैं।